हेलो हेलो एवरीवन, हाय वेलकम ऑल। क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बढ़ रहे हैं 11वें राज्य की तरफ, जो कि है ओडिशा। ओडिशा के बारे में हम ए टू जेड जो है कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। ओडिशा, ओडिशा कहाँ पर है? ओडिशा आपको कोई आइडिया है कि ओडिशा जो है भारत में कहाँ पर है? एनी आइडिया? हमने जो है भारत का मैप जो है कम्प्लीटली कवर किया है। हमने देखे थे जब हम स्टेट्स एंड यूटीज पढ़ रहे थे, तब हमने ओडिशा और बाकी सारे राज्यों को जो है कवर किया हुआ है। एनी आइडिया कहाँ पर है? जी बिल्कुल, हमारे ईस्टर्न घाट की तरफ जो है ओडिशा लोकेटेड है ना। ईस्टर्न घाट की तरफ हमारा ओडिशा जो है लोकेटेड है। ओडिशा किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है और कहाँ पर ये है लोकेटेड, तो हम जो है मैप की हेल्प से इसे देखेंगे, ठीक है। और उड़ीसा के बारे में ए टू जेड जो है कम्प्लीटली कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उड़ीसा की फॉर्मेशन जो है कब हुई थी, ठीक है। उड़ीसा जो है कब फॉर्म हुआ था? ठीक है जी, चलिए बढ़ जाते हैं फॉर्मेशन। तो 1 अप्रैल 1936 को कब, 1 अप्रैल 1936 को जो है ओडिशा की स्थापना हुई थी। इसी को ही ओडिशा में जो है यहाँ का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन जो है ओडिशा में फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ठीक है। और ओडिशा में जो है इस फॉर्मेशन डे को यानी फाउंडेशन डे को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है जी उत्कल दिवस, ठीक है। 1 अप्रैल को जो है फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और फाउंडेशन डे को कहा जाता है जैसे हमारे हिमाचल में हिमाचल डे कहा जाता है, ठीक है, या फिर स्टेटहुड डे कहा जाता है, पर यहाँ उड़ीसा में कहा जाता है उत्कल दिवस, ठीक है, उत्कल दिवस। अब इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ पर जो है उत्कल नाम से जाना जाता है इस दिवस को? क्योंकि उड़ीसा का जो तटीय रेखा वाला पोर्शन है ना, जो तट रेखा है, वहां का नाम है उत्कल तट, ठीक है। उड़ीसा जहां पर वे ऑफ बंगाल की तरफ जो है सीमा उसके साथ लगाता है, उस तरफ का नाम है उत्कल तट, ठीक है जी। तभी उड़ीसा के फाउंडेशन डे को उत्कल दिवस के रूप में हम जानते हैं, ठीक है जी। और उड़ीसा को जो है उड़ीसा राज्य कैसे बनाया गया? तो एक सम्मेलन बनाया गया था, उत्कल सम्मेलन, ठीक है। उसी की जद्दोजहद से ही उड़ीसा जो है अलग राज्य के रूप में जो है हमारे पास बना है, ठीक है। कब बना? तो 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा राज्य हमारा बना था, ठीक है। अब आ जाते हैं, उड़ीसा को जो है चार भागों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है। चार भाग कौन कौन से है? अगर हम मैप की हेल्प से देखें तो इस तरह से जो है उड़ीसा का मैप है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, इस तरफ ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, इसके ईस्ट की तरफ, ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी है, इसके पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पर पहुंचे गए हैं तो इसके बाउंड्रीज को साथ में ही देख लेते हैं क्योंकि हमने मैप बनाया, ठीक है। बाउंड्री एंड नेवर्स, ठीक है। उड़ीसा को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कैसे कैसे विभाजित किया गया है? ये जो सबसे वाला ऊपर वाला पोर्शन है इसे कहते हैं नॉर्दर्न प्लेट्यू, ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं नॉर्दर्न प्लेट्यू यानी उत्तरी पठार, ठीक है, उत्तरी पठार कहते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरफ वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है सेंट्रल थ्रेट, क्या कहते हैं? सेंट्रल थ्रेट, ठीक है जी, सेंट्रल थ्रेट के रूप में जाना जाता है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है, क्या कहते हैं? ये जो पोर्शन है ना सारा का सारा, इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट, भारत के पूर्वी घाट, ठीक है, भारत के पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट इस पोर्शन को कहते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ना, ये सारा जहां पर वे ऑफ बंगाल है, फिर यहां पर जो है हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल तक, वेस्ट बंगाल, यहां से इसके उत्तरी तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है यहां को वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, ठीक। तो उड़ीसा में
महानदी तक, ठीक है, कहां से, जहां कृष्णा कावेरी नदी खत्म होती है वहां उस तट को कहा जाता है ना उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, और उड़ीसा में इसे कहा जाता है उत्कल तट, ठीक है, कोस्टल लाइन। ये जो चौथा पोर्शन है ना, तटीय रेखा, कोस्टल लाइन, तटीय रेखा, जिसका नाम है उत्कल तट। क्या नाम है? उत्कल तट, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है नॉर्दर्न सरकार, पहले का कोरोमंडल कोस्ट है, फिर नॉर्दर्न सरकार है, फिर हमारा उत्कल तट है ईस्टर्न घाट की तरफ, ठीक है। ऐसे जो है ईस्टर्न घाट का नाम डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैप तो हमने ड्रॉ किया ही है, तो साथ साथ में इसके जो है देख लिया, अब इसके नेबर्स देखते हैं, ठीक है। ये हमने देखा इसका डिवीजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उड़ीसा। अब हम देखते हैं इसके पड़ोसी, ठीक। तो इस तरफ तो क्लियर हो गया कि ईस्ट की तरफ क्या है, इसके वे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इसके उत्तर की तरफ जो है वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और उत्तर दक्षिण की तरफ नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारी जो है वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये जो ऐसे वाला, ये ऐसे इस तरफ को जो है ये मिटा देती हूँ, ये जो वाला पोर्शन है ये वेस्ट बंगाल का होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। और नॉर्थ की तरफ जो है यहाँ पर है हमारा झारखंड, ठीक है। कौन सा राज्य? झारखंड। हमने लास्ट क्लास में कम्प्लीटली झारखंड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ है झारखंड, ठीक है। पश्चिम की तरफ, इसके पश्चिम की तरफ अब आ जाइए, इसके पश्चिम की तरफ है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इसके पड़ोसी राज्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बाद आ जाइए इस तरफ, ये कौन सा पोर्शन हुआ? ये हुआ इसका साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट की तरफ है तेलंगाना, ठीक है जी, तेलंगाना है। और इसके साउदर्न पोर्शन की तरफ है हमारा आंध्र प्रदेश। वैसे ये साउथ वेस्ट ही कहलाएगा, पूरी तरह साउथ में नहीं है, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ ही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ हमारे छत्तीसगढ़ है, उत्तर की तरफ हमारे झारखंड है, उत्तर पूर्व की तरफ हमारा वेस्ट बंगाल है, और पूरी तरह पूर्व में हमारा जो है वे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। ये आगे इसके पड़ोसी राज्य, ठीक है। अब साथ साथ में इसके जिले भी देख लेते हैं, ठीक है। जिले, तो जिले कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर है 30 जिले, ठीक है, 30 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें हैं। और लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की यहाँ पर जो है 10 सीटें हैं। क्लियर हो गया, ये लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 147, और जिले यहाँ पर टोटल है 30, ठीक है। 30 जिलों को फिर 3 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। ये पोर्शन हमारा कवर हो गया कि कौन सा बाउंड्रीज और बॉर्डर लाइन का, नेवर्स का, ठीक है। हम उड़ीसा का मैप देखते देखते बीच में पहुंच गए, बिल्कुल बीच के टॉपिक में, ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि उड़ीसा जो है किन किन चीजों की खास बात के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है सोल्ड रिसोर्स ऑफ रूबी एंड प्लेटिनियम, यहाँ पर जो है रूबी और प्लेटिनियम जो है मिलता है, ठीक है। क्या क्या मिलता है? रूबी और प्लेटिनियम जो है यहाँ पर मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ के पहले गवर्नर, सीएम और चीफ जस्टिस के बारे में हम हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले गवर्नर कौन रहे थे? गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है जी। पहले राज्यपाल कौन रहे थे यहाँ के उड़ीसा के? तो इनका नाम था श्री जॉन ऑस्टिन हबेक। क्या नाम था? सर जॉन ऑस्टिन हबेक, ये इनका नाम था यहाँ के पहले राज्यपाल का, ठीक है। और ये कब से कब तक यहाँ के राज्यपाल रहे थे? तो 1 अप्रैल 1936 से लेके 11 अगस्त 1938 तक, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 से लेके 11 अप्रैल 1938 तक जो है यहाँ के स्वतंत्रता से पहले के ये राज्यपाल रहे थे, ठीक है। उड़ीसा
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, पहले क्या था ये सारे जो थे एरिया जो थे वैसे बांग्लादेश भी ठीक है, ये सारे जो है बंगाल का भाग हुआ करते थे ठीक है। जैसे ही बंगाल और बिहार प्रोविंसेस को अलग किया गया था, कब अलग किया था तो 1912 में इन्हें अलग किया गया था ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे इन राज्यों को भी जो है अलग अलग राज्य के रूप में फिर इनकी स्थापना की गई थी स्वतंत्रता से पहले ही ठीक है जी। चलिए बढ़ जाते हैं यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर की तरफ। तो यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। कौन है प्रेजेंट में यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल ठीक है जी। और अब सीएम के बारे में देख लेते हैं। सीएम यानी मुख्यमंत्री ठीक है। तो ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, श्री कृष्णा चंद्रा गजपाली ठीक है। श्री कृष्णा चंद्रा गजपति ये जो थे पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था पहले सीएम के रूप में ओडिशा के ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है यहाँ के, तो नवीन पटनायक जी ठीक है। कौन है नवीन पटनायक जी जो है आज के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के ठीक है। और ये बीजेडी पार्टी से हैं ठीक है, बीजेडी दल से हैं ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हाईकोर्ट की तरफ। तो ओडिशा का हाईकोर्ट कहाँ पर है, ओडिशा का हाईकोर्ट कार्यरत है कहाँ पर, कटक में, ओडिशा की कटक जगह पर ठीक है। कहाँ पर है हाईकोर्ट ठीक है, कटक जगह पर है ये ठीक है, कटक जगह पर है। सन 1936 से ही ये अपना कार्य कर रहा है ठीक है, कटक में ही है। कौन थे यहाँ के पहले चीफ जस्टिस, तो ये थे जस्टिस दीरा किशोर राय ठीक है। कौन थे जस्टिस दीरा किशोर राय जी, ठीक है जी, जस्टिस धीरा किशोर राय जो थे पहले यहाँ के चीफ जस्टिस से सन 1948 से थे ये ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो यहाँ पर हैं शुभाशीष तलपात्रा जी। कौन है प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस यहाँ के, तो यहाँ के हैं शुभाशीष तालपात्रा जी ठीक है। ये यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं ठीक है। अब ये बोरिंग वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो है हल्का सा डिफरेंट सिनेरियो में चलेंगे। अब उड़ीसा के यहाँ के एरिया के बारे में जान लेते हैं कुछ ठीक है। एरिया फॉरेस्ट एरिया ठीक है, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या आंकड़े हैं, फिर हम जो है इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ चले जाएंगे ठीक है, उड़ीसा घूमेंगे ठीक है जी। चलिए एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है उड़ीसा का, एरिया है यहाँ का 155,707 किलोमीटर, 155,707 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है ओडिशा का ठीक है। अगर इसे मील में लिखा जाए तो 7,119 जो है मील स्क्वायर एरिया है ओडिशा का ठीक है। और रैंक कितना है इसका एरिया वाइज, तो इसका एरिया वाइज रैंक है 8 ठीक है। सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर इसका जो रैंक है वो 8 है। अब आते हैं फॉरेस्ट एरिया की तरफ ठीक है, यानी वन भूमिया कितनी है यहाँ की, तो यहाँ पर है 61,204.17 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है ये हमारे ओडिशा का वनों के अधीन है, जो कि टोटल एरिया का 39.31% है ठीक है। 39% एरिया जो है वनों के अधीन है ओडिशा का ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आती है कि इसकी कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है ठीक है, तो इसकी कोस्टल लाइन की लेंथ है 485 किलोमीटर ठीक है, 485 किलोमीटर जो है कोस्टल लाइन की तट रेखा की लंबाई है ठीक है।
तट रेखा की लंबाई है 485 किलोमीटर। ठीक है, अब तट रेखा से हम एक क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि भारत के कौन से राज्य की जो है सबसे लंबी तट रेखा है और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है। वैसे जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तट रेखा वाला चैप्टर, हमने कोस्टल प्लेन्स देखे थे, है ना, तटीय मैदान देखे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि गुजरात का काठियावाड़ मैदान, ठीक है, गुजरात में जो है सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है यानी तट रेखा है, लगभग 1650 किलोमीटर के आसपास जो है लंबी तट रेखा है गुजरात की। ठीक है, तो क्लियर रखिए माइंड में कि सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात की है। सेकेंड नंबर पे कौन से राज्य की है, ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आजकल जो है पहला ही नहीं पूछ लेते हैं, कई बार दूसरे को भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो नोट रख लीजिए कि सेकेंड नंबर की जो है तट रेखा है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य की। ठीक है, अब यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर है कोस्टल लाइन की लेंथ 485 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आ जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े। ठीक है, 2011 की सेंसस के आंकड़े, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो वगैरह, ठीक है, सेंसस 2011, ठीक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी जनसंख्या है यहाँ की, तो यहाँ की है 4,19,74,218। इतनी जो है जनसंख्या है यहाँ की। ठीक है, अब आ जाइए कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की ओडिया। ठीक है, स्क्रिप्ट भी इसकी ओडिया स्क्रिप्ट ही है। ठीक है, ओडिया है, ठीक, ओडिया के बाद आ जाइए यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी है यहाँ की, तो यहाँ की साक्षरता दर है 75.15%। ठीक है, 75% जो है साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए, साक्षरता के मामले में ये 27th रैंक करता है। ठीक है, और पॉपुलेशन के मामले में ये 11वें नंबर पर है। ठीक है जी, पॉपुलेशन के मामले में ये 11वें नंबर पर है। ठीक है, लिटरेसी रेट के बाद आ जाइए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब कि प्रति कितने किलोमीटर स्क्वायर, एक किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में कितने व्यक्तियों की क्षमता है उस जगह की। ठीक है, तो कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की, 269 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया ले लें, ठीक है, लंबाई चौड़ाई एक किलोमीटर स्क्वायर, तो वहां पर जो है 269, ठीक है, 269 व्यक्तियों के रहने की क्षमता है उड़ीसा में। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ के सेक्स रेशो के बारे में जानते हैं। सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो है कितनी स्त्रियां हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो है कितनी स्त्रियों की जनसंख्या है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात है यहाँ का 1063/1000। ठीक है, 1063 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, काफी अच्छी जो है लिंगानुपात है यहाँ का। लिंगानुपात में भी ये जो है 18th रैंक कर रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब यहाँ के स्टेट सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है फिगर्स है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आई होप आपने साथ साथ में जो है नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ के स्टेट सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो स्टेट सिंबल्स होते हैं हमारे, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि कल, आज की डेट के बाद कल की डेट में वही सेम सिंबल हमारा रहे, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को जो है अपडेट रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज की डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कौन कौन से स्टेट सिंबल्स हैं। ठीक है, स्टेट सिंबल्स, ठीक है, तो स्टेट सिंबल्स में सबसे पहले हमने देखा ही नहीं कि ओडिशा की कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। ठीक है, कौन सी कैपिटल है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ के स्टेट एनिमल की तरफ। ठीक है, स्टेट एनिमल कौन सा है यहाँ का, तो स्टेट एनिमल है यहाँ का सांभर। ठीक है, कौन है, सांभर।
ठीक है। सांभर के बाद आ जाइए कि स्टेट वर्ड कौन सा है, तो इंडियन रोलर है, ठीक है। इंडियन रोलर है यहाँ का स्टेट बर्ड, ठीक है। राजकीय पक्षी, ठीक। और राजकीय फूल कौन सा है, तो फूल है अशोका का फूल, ठीक है, अशोका का फूल है, ठीक है। और ट्री कौन सा है, ट्री यानी राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष है सैकर्ड फिग का, सैकर्ड फिग इस नाम से जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ के निक नेम्स ऑफ सिटीज की तरफ, ठीक है। उड़ीसा के कौन कौन से शहरों को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। निक नेम्स ऑफ सिटीज, ठीक है जी। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर को भुवनेश्वर, अलग अलग शहर हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर को जाना जाता है द टेंपल सिटी के नाम से, द टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि एक ही शहर का नाम है टेंपल सिटी तो उसी का होगा, अलग अलग शहरों को भी जो है अलग अलग नाम से दर्जा मिला होता है, ठीक है। जैसे हमने वाराणसी देखा था उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी जो है वाराणसी को टेंपल सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत की आईटी सिटी, आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जो है भुवनेश्वर को जाना जाता है, ठीक है। अब भुवनेश्वर के बाद आ जाइए पुरी, पुरी जो है किसके लिए फेमस है, जगन्नाथ धाम के लिए, ठीक है, जगन्नाथ धाम के लिए, चौथा धाम है हमारा, ठीक। पुरी, तो पुरी होली कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ पर जो है बहुत फेमस फेमस टेम्पल हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि पुरी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टेम्पल हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद होली कैपिटल के बाद स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा शहर है संबलपुर, ठीक है। उड़ीसा का संबलपुर, तो संबलपुर को कहा जाता है कल्चरल कैपिटल ऑफ उड़ीसा के नाम से, कल्चरल कैपिटल ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जब गुजरात पढ़ेंगे तो गुजरात के दो शहरों को जो है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब हम गुजरात क्लियर करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। दो सिटीज हमारे गुजरात में है जिन्हें डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, एक आ गया संबलपुर उड़ीसा का जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और लास्ट आ गया बरहमपुर, ठीक है, बरहमपुर का जो है सिल्क रेशम बहुत फेमस है, तो बरहमपुर को जाना जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बरहमपुर को, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ये आगे निक नेम्स ऑफ सिटीज, ठीक है, जो कि उड़ीसा के हैं, ठीक। अब हम जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लेते हैं कि उड़ीसा के किन जगहों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। यूनेस्को में जो है वो शामिल है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को का एक ही है उड़ीसा का, जो कि है सन टेंपल, सन टेंपल कोणार्क में है ये, ठीक है, सन टेंपल कोणार्क में है, ठीक है। और इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उड़ीसा का सन टेंपल जो है
ये ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, पैगोडा क्या होता है? पैगोडा एक आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। ठीक है, लेयर्स में छत होते हैं। ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो मैं हल्का सा आर्किटेक्चर स्टाइल भी जो है मैं बता दूंगी। ठीक है जी, तो वैसे तो आर्किटेक्चर स्टाइल में, पैगोडा स्टाइल में जो जैसे बौद्ध मंदिर होते हैं ना हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसी की तरह छत जो होती है हमारे इस सन टेम्पल कोणार्क की भी छत है, ऐसे लेयर्स में होता है। काठमांडू के टेम्पल्स जो होते हैं वो हमारे पैगोडा स्टाइल को जो है फॉलो करते हैं, इस तरह का लेयर्स में छत होती है। ठीक, और कुछ कुछ जगहों पर ये जो छतें होती हैं साथ साथ मंजिल भी होती हैं। ठीक है, मैंने शायद जो है हिमाचल प्रदेश में जहां पढ़ा रही हूँ वहां पे आर्किटेक्चर स्टाइल को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, बाकी हमारी जो नेक्स्ट टैट वाला जो चैप्टर आ रहा है, ठीक है, टैट के लिए जो बैच आ रहा है उसमें हम हिमाचल प्रदेश जो है कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं, वहां पर जो है मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी। ठीक, तो पैगोडा स्टाइल, अब ये ब्लैक पैगोडा क्यों हुआ? ठीक, तो कुछ नेचुरल चीजों की वजह से जो है जो मंदिर है वो हमें काले कलर का दिखता है, ब्लैक शेड हमारी दिखती है। सन टेम्पल किस तरह से बनाए होते हैं? इस तरह से बनाए होते हैं उनका गर्भगृह जो होता है, ताकि जो है सूर्य की सीधी किरण, पहली किरण जो है मंदिर के गर्भगृह में पड़े। ठीक है, तो जैसे ही सन टेम्पल में ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जो सन टेम्पल है ये टेम्पल हमें ब्लैक कलर में दिखता है। ठीक है, ब्लैक कलर का दिखने की वजह से इसे ब्लैक नाम दिया गया। और आर्किटेक्चर स्टाइल जो है मंदिर निर्माण शैली पैगोडा होने की वजह से इसे पैगोडा नाम दिया गया। ठीक है, दिखना, कलर और शैली दो को मिला के ये ब्लैक पैगोडा कहलाया। ठीक है, बाकी ये सन टेम्पल है। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि भारत में कहाँ कहाँ पर सन टेम्पल है। अगर भारत में नहीं बता पाओ तो आप मुझे हिमाचल प्रदेश का एक सन टेम्पल अभी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सन टेम्पल है। ठीक है, बाकी हम जो है क्लास से ही क्लियर कर लेंगे कि कहाँ पर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, चलिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ की ट्राइब्स। ठीक, तो यहाँ पर बसने वाली ट्राइब्स, हाँ जी बिल्कुल, रामपुर नीरथ में है सन टेम्पल। बिल्कुल मैम, रामपुर नीरथ में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सन टेम्पल। ठीक, चलिए, यहाँ पे वाशिंदी ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो कोंड जनजाति, शौराज जनजाति, इन जनजातियों का भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि जनजाति का नाम दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए, और बहुत सारी जनजातियां और राज्यों का नाम दिया होगा, इस तरह से कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बोंडा जनजाति, संथाल जनजाति, अब इतनी सारी जनजातियां पढ़ने का हमारा क्या पर्पज है? क्योंकि आजकल जो है HPPSC जो है मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, थोड़े हाई लेवल की तैयारी करनी है तो फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गौंड जनजाति, भूमियाज जनजाति, ठीक है, भूमियाज के बाद ओरांव जनजाति। ओरांव जनजाति इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ओरांव जनजाति का जो है क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ओरांव जनजाति कहाँ मिलती है? तो ओरांव जनजाति हमने देखी बिहार में भी मिलती है, झारखंड में भी मिलती है, और यहाँ पे अब उड़ीसा में भी जो है ओरांव जनजाति हमें मिलती है। ठीक है, ओरांव के बाद कोयास के बाद है चेंचू जनजाति, चेंचू, होलवा के बाद जातपू जनजाति, जातपू के बाद जुआंग जनजाति, जुआंग, ठीक है, जुआंग के बाद कांढा गौड़ा जनजाति। ये जो जनजातियां हैं ये उड़ीसा में वशिंदी हैं। ठीक है, उड़ीसा में पाई जाती हैं। इसमें ओरांव को आप स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आई थी। ठीक है, ओरांव जनजाति के बारे में जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ की डांस फॉर्म। तो डांस फॉर्म का भी जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है जी, डांस फॉर्म, डांस फॉर्म यानी नृत्य। ठीक है, तो ओडिसी,
ओडिसी, ओडिसी के बाद एक इम्पोर्टेंट है छऊ नृत्य, ठीक है, छऊ नृत्य का क्वेश्चन आया था, ठीक है। छऊ नृत्य ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है। छऊ के बाद बाघ नाच, बाघ नाच, बाघ नाच, बाघ नाच के बाद मेधा नाच, मेधा नाच, मेधा नाच के बाद डांडा नाटी नाट्य, डांडा नाट्य से क्वेश्चन आया कि हिमाचल प्रदेश में डांगी नृत्य कहां पर होता है। चला जलो जरी, डांगी नृत्य कहां पर होता है आप कमेंट में बताइए कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है डांगी नृत्य होता है। डांडा नाट्य फिर है चांगा डांस, डांगी नृत्य कहां पर होता है, चांगा डांस, चांगा की बात कर्मा डांस, कर्मा डांस का भी पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कर्मा डांस के बाद आ गया चैती घोड़ा डांस, चैती घोड़ा डांस, चैती घोड़ा को हॉर्स डांस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। फिर है बंसा रानी डांस, ठीक है जी, बंसा रानी डांस, बंसा रानी डांस के बाद बैम्बू डांस, बहुत फेमस है यहाँ का बैम्बू डांस, ठीक है, बैम्बू डांस, बैम्बू डांस के बाद डलखाई डांस। ढांगी नृत्य कहाँ पर होता है, एनी आइडिया? नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। और ढांगी नृत्य का लास्ट वाला जो एनटी का पेपर हुआ था ना, वहां पे आए थे ये ढांगी नृत्य, फिर एक और था झांझर, झांझर नृत्य, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल, ठीक है, इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल, कौन कौन से रीजनल फेस्टिवल जो हैं, ओडिशा में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, रीजनल फेस्टिवल जो कि मनाए जाते हैं। तो ओडिशा में मनाई जाती है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा फेमस है इस क्षेत्र की, वेस्ट बंगाल और ओडिशा क्षेत्र की, ठीक है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के बाद यहाँ पर सरस्वती पूजा, ठीक है, ढांगी नृत्य हमारा चंबा में होता है, ठीक है जी, सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा के बाद गणेश पूजा, कुल्हाड़ी की तरह जो है एक जो आगे नृत्य करने वाले जो हैं, जैसे कुल्हाड़ी की तरह पकड़ते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है, चंबा क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है ढांगी नृत्य, ठीक है। चलिए फिर आ दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, गणेश के बाद शिवरात्रि, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद काली पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा बहुत फेमस है इन क्षेत्रों की, ठीक है। काली पूजा, काली पूजा के बाद आ जाइए डोला पूर्णिमा, ठीक है, डोला पूर्णिमा, डोला पूर्णिमा, डोला पूर्णिमा के बाद होली, फिर है नुआखाई। ये जो अजीब तरह के नाम के जो त्योहार और फेस्टिवल ये पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। फिर है शीतला षष्ठी, शीतला षष्ठी, ठीक है, शीतला षष्ठी। फिर है कार फेस्टिवल, और कार फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कार फेस्टिवल बड़े बड़े अक्षरों में लिखती हूँ मैं, कार फेस्टिवल, कार फेस्टिवल किसको कहा जाता है, तो जगन्नाथ धाम की होने वाली रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा को जो है कार फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और ये उड़ीसा में नहीं, भारत में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में से भी लोग यहाँ पे रथ यात्रा में आते हैं, ठीक है। रथ यात्रा को जो है कार फेस्टिवल के रूप से, नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा कहाँ पर होती है, जगन्नाथ पुरी धाम में ये होती है रथ यात्रा, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, रथ यात्रा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कौन से नोट के पीछे जो है ये चीजें हैं, ये हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। कार फेस्टिवल को कहा जाता है रथ यात्रा, या फिर रथ यात्रा का दूसरा नाम क्या है,
तो कार फेस्टिवल है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के अजीब अजीबो गरीब नाम जो होते हैं वो एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पोर्शन आ गया आर्ट एंड कल्चर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जीआई टैग जो है किस किन किन को मिले हैं ओडिशा के, ठीक है। तो ओडिशा में लगभग 13 से 14 जीआई टैग्स मिले हुए हैं, ठीक है, 13 से 14 जीआई टैग जो है ओडिशा में मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले है कोटपाड हैंडलूम फैब्रिक, कोटपाड हैंडलूम फैब्रिक, ठीक है। फिर है जी ओडिशा इकाट, ठीक है। तीसरा है कोणार्क स्टोन कार्विंग, जो सूर्य मंदिर कोणार्क है ना, उसपे अशोक चक्र बहुत सुंदर जो है बनाया गया है, ठीक है, उसी स्टोन कार्विंग को जो है फिर जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का मतलब होता है कि वो उस क्षेत्र की खास बात होती है, किसी क्षेत्र की खास बात दूसरी जगह को फिर नहीं मिलती, ठीक है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला है, किन्नौरी शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है, चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला हुआ है, वैसे ही इन जगहों में अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग जीआई टैग मिले हुए हैं, ठीक है। फिर है पट्टचित्रा, पट्टचित्रा जो है एक तरह का पेंटिंग फॉर्म हुआ, ठीक है। पट्टचित्रा के बाद पीपल पीपली एलीक वर्क, ठीक है, पीपली का एलीक वर्क, ठीक। फिर है जी खांडवा का साड़ी और फैब्रिक, ठीक है, खांडवा जगह की साड़ीज और फैब्रिक, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। फैब्रिक जो है हमने आज की क्लास में कम्प्लीटली अगर पढ़ना हो तो हम 6वें नंबर का फैब्रिक देख रहे हैं जिसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। फिर आ गया गोपालपुर तुषार फैब्रिक, ठीक है, 3 फैब्रिक तो हमारे यही हो गए ओडिशा में ही, ठीक है, गोपालपुर तुषार फैब्रिक, ठीक है। एमपी से हमने देखा था कि फैब्रिक्स को जो है जीआई टैग मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर है गंजम केवड़ा रूह, रूह, ठीक है, गंजम केवड़ा का एक और भी जीआई टैग है, ठीक है। तो गंजम केवड़ा का रूह और एक और भी है, ठीक है, दो गंजम केवड़ा के 2 जीआई टैग हैं। फिर है ढालू पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक्स को क्यों मिलने लगा जीआई टैग, क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों में कॉटन उगता है, ठीक है, कॉटन उगता है। फिर हमारे सिल्क भी जो है बहुत फेमस है इन क्षेत्रों की, ठीक है। फिर है संबलपुरी बांदा की साड़ी और फैब्रिक, ठीक है, संबलपुरी बांदा की साड़ी और फैब्रिक को जो है जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। फिर आता है बोंकाई साड़ी और फैब्रिक, यहाँ पर बहुत सारी साड़ियां हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, बोंकाई साड़ी एंड फैब्रिक, ठीक है। फिर है जी हबसपुरी साड़ी एंड फैब्रिक, ठीक है जी। फिर है बहरमपुरी पट्टा, बहरमपुर का सिल्क बहुत फेमस है, ठीक है, तो बहरमपुर का पट्टा एक बॉर्डर है एक तरह का जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। बहरमपुर में सिल्क को, ठीक है, इतने ही जीआई टैग हैं, लगभग 14 जीआई टैग हैं हमारे ओडिशा के, ठीक है। अब हम जो है यहाँ की फेमस नेशनल पार्क लेक्स डैम्स रिवर्स ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़े दूसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हमारा ओडिशा का कवर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल पार्क्स ऑफ ओडिशा, तो कितने नेशनल पार्क हमने देखे थे ओडिशा में, एनी आइडिया, कितने नेशनल पार्क हमने देखे थे, 2 नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो हमने देखे थे, कौन कौन से थे, भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है,
भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल, सिमलीपाल से कंफ्यूज नहीं होना है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क से, ठीक है। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल के सिरमौर में है, ठीक है। और सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। फिर यहाँ की वर्ल्ड सेंचुरीज यानी पक्षी अभ्यारण कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो वर्ल्ड सेंचुरी है यहाँ की चिल्का, चिल्का लेक जो है सबसे बड़ा लैगून लेक है, यानी लवण लेक है चिल्का लेक। चिल्का लेक एज अ वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है। चिल्का लेक वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी के बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक। सबसे पहले है बडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बडरमा। वैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बालूखांड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिपीट करती हूँ, बडरमा, वैसीपाली, बालूखांड कोणार्क कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। भीतरकनिका, भीतरकनिका इम्पोर्टेंट है, भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर ही भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फिर है चंदाखा डामपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डामपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट है, इसका पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर चिल्का नलवारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। गहीरमाथा, गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गहीरमाथा के बाद हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कारलापुट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कारलापुट भी इम्पोर्टेंट है। कारलापुट को कोलापुट भी अगर पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। कोलापुट भी उसी क्षेत्र का नाम है, ठीक है। फिर है खालासुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंदहिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज, सतकोशिया जॉर्ज भी इम्पोर्टेंट है, सतकोशिया जॉर्ज, ठीक है। सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल के बाद सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कहाँ की? हमारे उड़ीसा की, ठीक है। नोट कर लिया होगा, आई होप आपने। चलिए अब हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि उड़ीसा में क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है उगाया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पल्सेस यहां पर उगती हैं, पल्सेस को लेग्यूम्स भी कहते हैं। दालें उगती हैं, दालों के बाद ऑयल सीड्स यानी तिलहन उगते हैं। वेजिटेबल्स उगती हैं, ठीक है, सब्जियां बहुत अच्छी पैदावार होती है उड़ीसा में। वेजिटेबल्स के बाद व्हीट, कॉर्न, शोरगम, शोरगम होता है जी ज्वार, शोरगम, व्हीट, मेज, मेज यानी कॉर्न, ठीक है, कॉर्न यानी मक्का, ठीक है। पर्ल मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स, ठीक है। जूट, जूट उगता है, लंबे रेशेदार जो है जूट उगते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर शुगर के, कोकोनट और स्पाइसेस, कुछ मसाले भी उगते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में उड़ीसा में, ठीक है। अब आते हैं रिवर्स, डैम और पावर प्लांट्स देख लेते हैं, ठीक है। रिवर्स, नदियां जो इम्पोर्टेंट है, तो महानदी, महानदी इम्पोर्टेंट रिवर है उड़ीसा की, महानदी, महानदी जो है वे ऑफ बंगाल में जहां ड्रेन होती है उस जगह को कहते हैं फॉल्स पॉइंट। क्या कहते हैं जी? फॉल्स पॉइंट कहते हैं जहां पर महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, उस जगह को कहते हैं फॉल्स पॉइंट, ठीक है। फिर यहां पर इम्पोर्टेंट रिवर है एक जिसका नाम है ब्रह्मणी नदी, ब्रह्मणी, वैतरणी भी यहां पर नदी है, ठीक है। ब्रह्मणी नदी शंख और साउथ कोयाल नदियों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, शंख और साउथ कोयाल, ठीक है। तो संख और साउथ कोयाल भी यहाँ की नदियां हुई,
ठीक है। फिर देखते हैं डैम, डैम यानी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ओडिशा का भी और पूरे भारत वर्ष का भी, जो कि है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। जब हम डैम पढ़ रहे थे तो हमने क्लियर किया हुआ है कि लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा बांध है ये पूरे भारत वर्ष का, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, कौन सी नदी पर ये बना हुआ है, तो ये बना हुआ है महानदी पर, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम तो हीराकुंड हुआ, सबसे ऊंचा डैम है हमारा टिहरी डैम, ठीक है, भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है, टिहरी डैम, ठीक। ये डैम आ गया हीराकुंड डैम, ठीक। तो आप देख लेते हैं साथ में लेक्स, लेक्स यानी झीलें, झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्का लेक, चिल्का झील क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारे भारत वर्ष की, लार्जेस्ट लेगून लेक यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की, कितनी लंबी है ये, तो लगभग 65 किलोमीटर जो है लंबी झील है, ठीक है। चिल्का के बाद आ जाइए अंशुपा झील, अंशुपा झील, अंशुपा झील के बाद है जी कोलाब लेक, ठीक है, कोलाब झील, पाताल झील, पाताल झील भी है जी, पाताल झील है उड़ीसा में, ठीक है, पाताल झील, पाताल झील के बाद कंजिया झील, कंजिया लेक, कंजिया लेक के बाद आ जाइए बिंध सरोवर, ठीक है, बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर जो है भुवनेश्वर में है और बहुत सुंदर है, ठीक है, डरावना भी इसे कहते हैं कुछ जगहों पर, इसे बहुत डरावना, उड़ीसा में बिंदु सरोवर को बहुत डरावनी झील के रूप में देखा जाता है। कहां पर है ये, तो कैपिटल सिटी में है, ठीक है। लेक्स हमने देख लिए, लेक्स के बाद यहाँ के पावर प्लांट्स, ठीक है जी, पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स नहीं, वॉटरफॉल्स देख लेते हैं पहले, वॉटरफॉल्स यानी झरने, और किताबों में जलप्रपात लिखा होता है, ठीक है, जलप्रपात, ठीक। तो झरनों में है सबसे पहले शंघारा झरना, ठीक है, शंघारा झरने के बाद दुदुमा झरना, दुदुमा, ठीक है, दुदुमा झरना, दुदुमा के बाद कंधाधार झरना, कंधाधार लेक, कंधाधार के बाद भीमकुंड, भीमकुंड का कोई पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला ये वर्ड है भीमकुंड, भीमकुंड के बाद गुड़गुड़ा झरना, के बाद खासदा झरना, ठीक है, खासदा के बाद आ जाइए देवकुंड, भीमकुंड, देवकुंड, देवकुंड, देव, देवकुंड के बाद कोयली घुगा झरना, ठीक है, कोयली घुगा झरना, और लास्ट में है नृसिंहनाथ झरना, नृसिंहनाथ झरना, ठीक है। ये कुछ झरने हैं, वॉटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं उड़ीसा के, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया कि पावर प्लांट्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है जी। पावर प्लांट्स में कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जैसे आईवी थर्मल पावर स्टेशन, आईवी थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पावर स्टेशन को मैं पीएस लिखूंगी, ठीक है, आईवी थर्मल पावर स्टेशन, उसके बाद तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्थान लगाकर नोट कर लीजिएगा। तालचेर जगह पर जो है स्टील इंडस्ट्री भी है, ठीक है। तालचेर के बाद ओडिशा थर्मल पावर स्टेशन,
ओडिशा थर्मल पावर स्टेशन, ओडिशा थर्मल पावर स्टेशन के बाद अंगुल जिंदल इंडिया थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है अंगुल जिंदल इंडिया थर्मल पावर स्टेशन के बाद आ जाइए एनटीपीसी लिमिटेड थर्मल पावर स्टेशन। ये कुछ थर्मल पावर स्टेशन है ओडिशा के, ठीक है। अब हम जो है यहाँ के हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी पनबिजली जो क्षेत्र है हमारे हाइड्रो पावर, ठीक है। तो हाइड्रो पावर में बेलीमाला रिजर्वायर, बेलीमाला रिजर्वायर के बाद आ जाइए नेक्स्ट है चिपलीमाला हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक। चिपलीमाला के बाद है हीराकुंड हाइड्रो पावर स्टेशन, हीराकुंड के बाद है जी इंद्रावती हाइड्रो पावर स्टेशन, इंद्रावती नदी पर है ये। और पांचवा है यहाँ पर जालाकुट हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। ये कुछ हाइड्रो पावर स्टेशन है कहाँ के, हमारे ओडिशा के, ठीक है। आप फेमस स्टेडियम देख लेते हैं, एयरपोर्ट और स्टेडियम साथ साथ में देखेंगे। एयरपोर्ट और स्टेडियम, पहले एयरपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहां पर है भुवनेश्वर में है, ठीक है भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक। और बाकी जो है छोटे एयरपोर्ट है जैसे जरसागुड़ा एयरपोर्ट, राउरकेला एयरपोर्ट, थिरुवली एयरपोर्ट, ठीक है जयपुर एयरपोर्ट, ब्रह्मपुर एयरपोर्ट और नवागांव एयरपोर्ट, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने देख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम, ठीक है। तो स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, बारावती स्टेडियम ये कटक में है, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ठीक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बीजू पटनायक है, ठीक है। तो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम ये भुवनेश्वर में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, रेलवे स्टेशन हमने एक झारखंड में भी देखा था रांची में, ठीक है। और उड़ीसा में भी है बीजू पटनायक स्टेडियम, ठीक है ये भुवनेश्वर में है, ठीक। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और टूरिज्म अट्रैक्शन, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड टूरिज्म अट्रैक्शन, ठीक। तो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इन टूरिज्म अट्रैक्शन मैं बोलती चलूंगी और आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है सन टेम्पल कोणार्क को 10 रूपी नोट, 10 रूपए के नोट के पीछे भी जो है लगाया गया है, जो वहां का जो ये चक्र है ना स्टोन कार्विंग, जिसे जो है कोणार्क के जीआई टैग में मिला है, ठीक है। तो 10 रूपी नोट के, 10 रूपए के नोट के पीछे जो है सन टेम्पल कोणार्क की फोटो है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फिर श्री जगन्नाथ पुरी धाम, ठीक है पुरी में है रथ यात्रा जहां पर होती है, ठीक। फिर है खादागिरी केव जो की भुवनेश्वर में है, 64 योगिनी टेम्पल ये भी भुवनेश्वर में है। फिर है ब्रह्मवेश्वर टेम्पल ये भुवनेश्वर में है, अनंता वासुदेव टेम्पल ये भुवनेश्वर में है, इसीलिए भुवनेश्वर को जो है टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है क्योंकि बहुत सारे जो है टेम्पल हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर है राजा रानी टेम्पल, धौलागिरी टेम्पल, ये सारे जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक। फिर टूरिज्म अट्रैक्शन की तरफ आ जाइए तो म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफिकेशन ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, मुक्तेश्वर टेम्पल, कोणार्क बीच, हीराकुंड डैम ये भी टूरिज्म अट्रैक्शन के रूप में जो है ड्वेल्थ है, लिंगा राजा टेम्पल। फिर है जी नंदन कनन जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है। फिर है धौलागिरी शांति स्तूप ये भी उड़ीसा में है। फिर है जी चंद्रभागा बीच, ये भी सारी जो है उड़ीसा में एज अ टूरिज्म अट्रैक्शन है। चलिए हमने जो है उड़ीसा के बारे में जो है कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आई होप आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।
अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दूसरों के साथ इन वीडियोस को जरूर जरूर शेयर कीजिए जिन्हें जो है इन वीडियो से हेल्प हो सके। थैंक यू।